हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे। हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें हम लोग IPL का रेडियो का अनबॉक्सिंग किया था। आशा करता हूं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, आप देख सकते हैं। हम लोग अमेजन में और फ्लिपकार्ट में कुछ रिव्यू जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि ये जो रेडियो है ये जल जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है ये जानने के लिए हम लोग उसका टियर डाउन किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक ताकि आपको सब कुछ चीज़ अच्छे से पता चले। तो इसको हम आज खोलेंगे। खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पेज दिया गया है यहाँ पे, तो एक एक करके चारों को निकाल लेना पड़ेगा। फिर इसको अभी इसको ऐसे निकालेंगे। अच्छा लगता है ये वाला पेज थोड़ा रह गया है। अच्छा ऐसे निकाला जा सकता है। अच्छा ये जो बैटरी है ये थोड़ा लटका हुआ सा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो गम दिया था वो निकल गया है शायद, इसलिए चिपका हुआ है ऐसे। ये रहा इसका एंटीना, ये रहा इसका स्पीकर, ये इसका स्पीकर यहाँ पे, मतलब ये पूरा सा सिस्टम इसका यहाँ पे है। ट्यूनर वगैरह सब यहाँ पे है। और ये है उसका इंडक्टर जैसे होता है हर रेडियो में। यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बोर्ड है। देख लेना बैटरी का कैपेसिटी कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन लगता है कि ये 1200 mAh का ही होगा शायद। ये एंटीना का वायर है। लो क्वालिटी का गम दिया है इसलिए निकल जाता है। अच्छा क्वालिटी का होता तो निकलता नहीं। तो फिर ये है इसका जो बोलते हैं एलिमीटर, या तो फिर जो ट्रांसफार्मर है जिससे इसको पावर सप्लाई मिलता है, स्टेप डाउन करके पावर सप्लाई देता है। और ये है छोटा सा सर्किट और कुछ कंट्रोलर वगैरह होगा इसमें। और ये बड़ा वाला, और ये है स्पीकर, बिल्कुल प्यारा सा मासूम सा छोटा सा स्पीकर दिया है। बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है इसको अपग्रेड करने के लिए शायद। ये वाला रेक्टेंगुलर वाला मैंने कभी देखा नहीं था। जनरली वो ये जो बना होता है ना ये सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार रेक्टेंगुलर वाला देखा। ये जो बैटरी है ये अच्छे से चिपका नहीं गया था, इसीलिए वो इधर उधर होके किसी पे टकराया गया होगा, चार्जिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, इसलिए जल सकता है। हमने यहाँ पे 2 बैटरीज लगाए, एक दूसरा बैटरी ऐड किए हैं ताकि इसका कैपेसिटी बढ़ सके, और बैटरी को अच्छे से गम से ग्लू से चिपकाए हैं ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना कर सके। अभी इसमें बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को शेयर कीजिए।